नमस्कार, मैं अपर्णा और आप देख रहे हैं जी न्यूज इंडिया। इस समय पूरा विश्व कोरोना नामक संकट से जूझ रहा है। कोरोना से बचाव हेतु जागरूकता लाने के लिए जी न्यूज इंडिया द्वारा चलाई जा रही इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए हमने एक सार्थक पहल की है, जिसमें हमने आप सभी दर्शकों से अपने अपने विचार एवं संदेश तथा घर पर बिताए जा रहे समय के अनुभवों को वीडियोज एवं फोटोज के माध्यम से मंगवाया है, और आप सभी दर्शकों ने हमारी इस पहल में पूरा सहयोग करते हुए हमें लगातार वीडियोज और मैसेज भेजे हैं। आप सभी दर्शकों के इस जज्बे को जी न्यूज इंडिया सलाम करता है। तो आइए हम आपको उनसे रूबरू कराते हैं। वाइफ, मेरा नाम श्रीन है और मैं विजय सिंह पथिक राज के स्नातकोत्तर महाविद्यालय की छात्रा हूँ। एनएसएस और रोवर रेंजर्स की स्टूडेंट होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि हमारे देश में हो रहे हालातों पर गौर की जाए। कोरोना वायरस एक ऐसी गंभीर समस्या है जिसका सामना करना बेहद मुश्किल है। इटली और अमेरिका जैसे एडवांस देश भी इस समस्या से जूझ चुके हैं। भारत तो फिर भी विकासशील देश है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस समस्या से बचने के लिए 21 दिनों का लॉकडाउन किया था, परंतु बहुत से लोग हैं जो इस लॉकडाउन का मजाक बना के रखते हैं। वे इस समस्या को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। वे इस समस्या को समझना ही नहीं चाह रहे। इस समस्या से बचने का एकमात्र उपाय सोशल डिस्टेंसिंग है, जो लोगों को समझाना बेहद जरूरी है। लोग सड़कों पर ऐसे ही घूमते नजर आ रहे हैं। मैं एक चार्ट के माध्यम से ये संदेश आप सब तक पहुंचाना चाहती हूँ। कोरोना, कोई भी रोड पर ना जाए, कोई भी सड़कों पर ना फिरे। थोड़ी सी सावधानी बरतकर आप अपने और अपने परिवार की जान बचा सकते हैं। अपने हाथ लगातार साबुन से धोएं और गर्म पानी का सेवन अधिक से अधिक करें। एक कविता के माध्यम से आप सब तक अपना संदेश पहुंचाना चाहती हूं, जो मैंने खुद ही लिखी है। पास पास ना आइए, पास पास ना आइए, हाथ ना लगाइए, कीजिए नजारा दूर दूर से, कीजिए इशारा।